मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना जो भारतीय वर्ष है उसको सेलिब्रेशन के बारे में एक वीडियो लेके आए। जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं वो अंतरराष्ट्रीय वर्ष होता है, जो कि बिजनेस पर्पज से और इंटर कंट्री रिलेशन के लिए बनाया हुआ। अपना भारतीय वर्ष है विक्रम संवत। आइए फ्रॉम मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स की तरफ से वंडर चिल्ड्रन विशेज यू हैप्पी विक्रम संवत न्यू ईयर 2080। और ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडूला मित्रा। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर। आज हम आपको विक्रम संवत ईयर है जो हिंदुस्तान का, हिंदू वर्ष भी कहते हैं इसको, उसके बारे में कुछ डिटेल आप लोगों को बताएंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को हैप्पी हिंदू न्यू ईयर, अनदर ईयर इज हियर एज ए डिस्क्यूज ऑफ जॉय, से गुड बाय टू द ओल्ड ईयर एंड स्टार्ट द न्यू वन ऑन ए पॉजिटिव नोट। अपना 22 मार्च को ये न्यू ईयर 2080 शुरू हो चुका है और ये चैत्र मास की प्रथम तिथि से प्रारंभ होता है, जो कि इस साल 22 मार्च को शुरू हुआ है। नेक्स्ट सीट। फ्रॉम मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स वंडर चिल्ड्रन विशेज यू हैप्पी विक्रम संवत न्यू ईयर 2080 अगेन। मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल की तरफ से वंडर चिल्ड्रन की ओर से आपको विक्रम संवत नववर्ष 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम थोड़ा सा ब्रीफ कराते हैं इस न्यू ईयर के बारे में। हिंदू न्यू ईयर आल्सो नोन एज विक्रम संवत इज सेट टू बी सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ हिंदूज वर्ल्ड वाइड टुडे 22nd मार्च। द डे सिग्निफाइज न्यू बिगिनिंग्स एंड इज कंसिडर्ड एन ऑस्पियस टाइम टू लॉन्च न्यू वेंचर्स। द डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट vigor and enthusiasm and offers people a new sense of optimism. The festival is rooted in ancient Hindu mythology and invokes a sense of tradition for those celebrating the day. ये जो हिंदी में इसका यहाँ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, हिंदू नववर्ष जिसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है, आज 22 मार्च को दुनिया भर के लाखों हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला है। यह दिन नई शुरुआत का प्रतीक है और नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। यह दिन बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है और लोगों को आशावाद की एक नई भावना प्रदान करता है। त्योहार प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है और दिन मनाने वालों के लिए परंपरा की भावना का आह्वान करता है। नेक्स्ट सीट। देयर इज नो वन वे टू सेलिब्रेट द डे एंड पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट इट इन ए नंबर ऑफ वे, बट द अंडरलाइंग सिग्निफिकेंस रिमेन्स द सेम, वेलकमिंग द न्यू ईयर विद ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी। इस साल को मनाने का कोई एक तरीका नहीं है कि पूरे भारत में ये एक तरीके से मनाया जाइए, अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का कोई एक तरीका नहीं है और पूरे भारत में लोग इसे कई तरह से मनाते हैं, लेकर अंतर्निहित महत्व तो समान रहता है। आशावाद और सकारात्मकता के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट सीट। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ विक्रम संवत। विक्रम संवत का इतिहास क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। विक्रमादित्य द रिवर्ड किंग ऑफ उज्जैन फ्रीड हिज पीपल फ्रॉम द शाकास रूल एंड बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ विक्रम संवत नियरली 2068 years ago, यानी जो आज का साल चल रहा है उससे 2068 साल पहले। अकॉर्डिंग टू द लोकल लेजेंड, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द ट्रेडिशनल कैलेंडर विक्रम संवत यूज इन इंडिया बाई ऑल हिंदूज इज सेट टू बी सेट 57 years ahead of the now popularly used and well-known Gregorian calendar. This year it will be Vikram Samvat 2080. ये उसका हिंदी में
ट्रांसलेशन है, विक्रम संवत का इतिहास क्या है। उज्जैन के श्रद्धेय राजा विक्रमादित्य ने अपने लोगों को साका शासन से मुक्त कराया और स्थानीय किंवदंती के अनुसार लगभग 2068 साल पहले विक्रम संवत की परंपरा शुरू की। इतिहासकारों के अनुसार सभी हिंदुओं द्वारा भारत में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक कैलेंडर विक्रम संवत को अब लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले और प्रसिद्ध ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे बताया जाता है। इससे यह वर्ष विक्रम संवत 2080 होगा। नेक्स्ट सीट, द हिंदू न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शुक्ल पक्ष ऑफ द चैत्रमा होता है, उसके शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। इन मैनी स्टेट अक्रॉस नॉर्थ इंडिया द हिंदू न्यू ईयर आल्सो बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ बैसाखी, ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड एज द एनुअल स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल। हाउएवर देयर आर डिफरिंग ओपिनियंस अमंग इंडियन स्कॉलर्स रिगार्डिंग द हिंदू न्यू ईयर, यानी इतिहासकारों की अलग अलग मत हैं। और ये हिंदी में ट्रांसलेशन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में हिंदू नववर्ष भी बैसाखी के हिंदू महीने के पहले दिन से शुरू होता है, जिसे पारंपरिक रूप से वार्षिक बसंत फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हिंदू नववर्ष को लेकर भारतीय विद्वानों में अलग अलग मत है। नेक्स्ट सीट, जो हिंदू नववर्ष है क्या है, जो अपने महीने हैं इसमें ये अपना जो साल ये काउंट होता है लूनर मंथ के अनुसार, यानी चांद की क्रियाओं के अनुसार। और जो इंटरनेशनल न्यू ईयर जो फर्स्ट जनवरी को मनाते हैं वो सोलर सिस्टम बेस्ड है, इसलिए इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इसके लगभग सभी महीनों में 30 दिन होते हैं और 30 या 32 महीने के बाद एक महीना 13वां एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ताकि दोनों ईयर्स की उसको एक रूपता देने के लिए डबल मंथ आता है। वो जो है कैलेंडर के अनुसार कोई भी महीना डबल हो सकता है। और जो अपने हिंदू मंथ है इसमें 15-15 दिन का पखवाड़ा है। 15 दिन को हम वो कहते हैं कृष्ण पक्ष और 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष का मतलब है जो 1 तारीख से लेकर चांद घटना शुरू हो जाता है और 15 तारीख तक वो चांद बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और जो शुक्ल पक्ष होता है, जब चांद की क्रियाएं कलाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं और 15वें दिन वो पूरा चंद्रमा दिखता है और सूरज ढलने से पहले निकल आता है, जिस दिन को हम पूर्णमासी कहते हैं, यानी पूरा महीना हो गया। इस तरह ये इन दोनों में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और भारतीय वर्ष में अंतर है। देर आर 12 इंडियन मंथ्स, जो अपना भारतीय वर्ष है इसमें 12 महीने हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह, जो शुरू होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसको सावन भी कहते हैं कई जगह, भद्रा जिसको भादवा भी कहते हैं, आश्विन, कार्तिक, अगहन जिसको मंगसर भी कहते हैं, और पोष जिसको पो भी कहते हैं कई जगह, और माघ जिसको माँ भी कहते हैं, और ये फाल्गुन पर ये जो है ना वर्ष पूरा हो जाता है। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। 12 भारतीय महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसको सावन भी कहते हैं, भद्र, भादवा भी कहते हैं, अश्विन, कार्तिक, और ये अगहन इसको मंगसर भी कहते हैं, पोष को पो भी कहते हैं, और माघ को माँ भी कहते हैं, और ये फाल्गुन। इस तरह ये वर्ष अपना हिंदू पूरा हो जाता है। ये थोड़ी ही इस ब्रीफ सी इसके बारे में जानकारी थी। और सप्ताह में वही 7 दिन होते हैं, और इस वर्ष के जो है ना पूरे साल में दिन 354 होते हैं, और कहीं 30 महीने के मान के इनको 360 भी माना जाता है। और जो डिफरेंस हो जाता है ये 354 और 365 का, इसको पूरा करने के लिए 30 या 32 महीने के बाद एक महीना डबल आता है, उससे फिर ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और भारतीय वर्ष में एक रूपता आ जाती है। नेक्स्ट सीट, मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार आप सभी को हैप्पी हिंदू न्यू ईयर 2080। और हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडू ला मित्रा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।